अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, होपफुली आप ठीक होंगे और मजे में होंगे। मेरी आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि हम जा रहे हैं, ओवर टू यू। आईसीसी क्रिकेट ग्राउंड में जा रहे हैं और हम नसीम शाह को मिल के आएंगे आज इंशाल्लाह। और जनाब अभी हम लोग निकल चुके हैं। हाय फरवा। ओके, फरवा को क्योंकि सीट बेल्ट लगा दी है तो वो वहाँ पे फिक्स है। एज यूजुअल मेरा आज का लुक फिर से सॉफ्ट मेकअप है। मैंने और फरवा ने फिर से ट्विनिंग किया है, बट अनफॉर्चुनेटली हमने डिफरेंट कलर में ट्विन किया है। फरवा इज वेयरिंग ब्लू। अभी जब हम उतरेंगे वहाँ पे लाइटिंग की वजह से मैं आपको दिखा दूंगी। शी इज वेयरिंग लाइट ब्लू एंड आई एम वेयरिंग ब्लैक एंड व्हाइट। 9:30 हो चुके हैं, मैच पाकिस्तान का कल था और आज उनकी ट्रेनिंग है, हम उनको मिलने जा रहे हैं। इंडिया और अफगानिस्तान का मैच था, इंडिया जीत चुका है और ट्रैफिक जो है ब्लॉक हो गई है क्योंकि हम इससे स्ट्रीट में है और इससे स्ट्रीट में ही दुबई ग्राउंड है। तो अब देखें कितना टाइम लगता है आईसीसी क्रिकेट ग्राउंड में जाने। क्यों रश था? एक्सीडेंट हुआ हुआ था ना। अच्छा, तो अभी रोड जो है वो ठीक ठाक ब्लॉक है और बस दुआ है कि ऑन टाइम पहुंच जाए और मिल पाए, बिकॉज कल के मैच में नो डाउट नसीम ने बहुत अच्छा प्ले किया है। स्पेशली इससे पहले इंडिया जी बेटा पापा के भाई, इससे पहले जो था इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी इंजरी के बावजूद उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। एंड ऑल्सो व्हाट्स द नेम ऑफ द गाय, नवाज, नवाज एंड आसिफ। तो होपफुली हम लोग इनसे मिलेंगे। अभी मेरे फोन की बैटरी बिल्कुल डेड है एंड आई विश कि हम वहां पर पहुंचे और मेरा फोन खुद से चार्ज हो जाए। और मेरे नेल लुक के बारे में बता दीजिएगा। जी तो जनाब ये रही दुबई क्रिकेट ग्राउंड, ये स्पोर्ट सिटी में है और ये बहुत बड़ा स्टेडियम है और बड़ा मजे का व्यू था। पूरा मैच चल रहा था अंदर, बट आई थिंक इंडिया श्रीलंका का। और उसके बाद ये देखे ज़बरदस्त बिल्डिंग्स। स्पेशली मेरा ये था कि मैं रिजवान भाई को मिलने जाऊँ, बिकॉज मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, रिजवान मोहम्मद रिजवान जी। तो जनाब इस टाइम हम पहुँच गए स्पोर्ट्स सिटी में। स्पोर्ट्स सिटी में आईसीसी ग्राउंड है, ठीक है, जहाँ पे सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं और इट्स स्पोर्ट्स विलेज। तो आगे चल के देखते हैं अभी क्या सीन है क्या नहीं है। फिर वह शो मी योर ड्रेस। हाय हाय मेरी पतलो बाजू भाग जाओ। एंड आई विश के येलो शर्ट्स में तो कोई टीम है, बट आगे पता नहीं क्या है। ये पूरी आईसीसी एकेडमी है, यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट का वो होता है। इंडोर क्रिकेट ये हो रही थी, ये आउटडोर क्रिकेट हो रही थी जहाँ पे पाकिस्तानी टीम ने प्रैक्टिस करनी थी। ऑलरेडी येलो ड्रेसेस में थे, श्रीलंका टीम ऑलरेडी जा चुकी थी। और ये देख रही है एमरेट स्पोर्ट्स बिल्डिंग। एंड जनाब बड़ा ही बड़ा काम ख़राब हो गया क्योंकि ऑलरेडी श्रीलंका टीम चली गई है प्रैक्टिस करके, पाकिस्तानी टीम आई ही नहीं लगता प्रैक्टिस नहीं के जी। और श्रीलंका आके चली गई है एंड जिम का नज़ारा करें, देखें चेक करें। तो जाहिर सी बात है फिर स्पोर्ट्स के लोगों ने तो अच्छे होना ही है, कौन सी चीज़ है यहाँ पे जो नहीं है। अच्छा अभी देख लीजिए कि पीछे मेरे पीछे है आईसीसी एकेडमी, ठीक है, यहाँ पर पूरा वो लोग खेलते हैं। बट जितनी देर में टीम का मैच स्टार्ट हो रहा था मैं पूरा राउंड करके आई थी। अभी आपने देखा इंडोर गेम और ये आउटडोर गेम। वो देखो बेटा क्रिकेट टीम खेल रही है। हाँ ये देखे ये सारे नज़ारे जनाब। इस टाइम देखे यहाँ पे गर्मी बहुत हो रही है और हम आए थे पाकिस्तान का प्रैक्टिस मैच देखने की, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा, चेक करें। बड़े मज़े की है, अजीब सा एक हो रहा है, काम है, सुकून है। और इसका भी मैच हो रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको, आ जाओ। ये देखिए इसमें भी वो ऊपर बैठे पूरा शूट कर रहे हैं कि ताकि कोई चीटिंग ना हो, लोअर कोर्ट है। और बस प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत थी, अगर की होती तो हम भी मिले होते। और ये पिक्चर मैं इससे लगा रही ताकि आपको पता चले कि यही स्टेडियम था और मैं सही जगह गई थी। एंड दिस इज़ द, आप जीतो या हारो हम आपके साथ हैं, नो मैटर हार जीत चलती रहती। कॉन्ग्रेचुलेशन रिजवान
फॉर बीइंग ऑन द टॉप, बहुत मेहनत की है आपने। और ये येलो शेड इसलिए लगा रही हूँ ताकि जो बैकग्राउंड में प्लेयर्स देख रहे थे ना आप लोग, कि ये ड्रेस पाकिस्तान का और वो उनका नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर द वर्ल्ड कप। कंग्रेचुलेशंस टीम श्रीलंका, यू डिजर्व टू विन।